हमारे जो सब्सक्राइबर है ना दोस्तों, वे हमसे पूछे थे कि ये जो एमरी है ना, ये कैसी होनी चाहिए। ये बिल्कुल जैसे उंगली पे लेंगे ना आप, ऐसे ऐसे बिल्कुल। हेलो दोस्तों, दोस्तों आज हम आपको बताएंगे जो सिलाई मशीन में जैसे कि ये कुंडी या लिंक वगैरह चलाते हैं ना, तो इसमें जो है ब्रासो और एमरी की जरूरत पड़ती है। ये देखिए जो एमरी है ना हमारे पास, ये देखिए ये एमरी है दोस्तों, और ये ब्रासो है। अब जो दोस्तों ये ब्रासो और एमरी जो है यूज जो होती है, जैसे हमने मैं आपको पहले भी बता रखा है, जैसे कुंडी हुई, लिंक हुआ, सिलाई मशीन में शटल हुआ, जैसे छोटी सिलाई मशीन में शटल को हल्का करने के लिए एमरी की जरूरत पड़ती है, या फिर जो अम्ब्रेला सिलाई मशीन में जो ग्राइंड चलाते हैं ना उसमें जरूरत पड़ती है। तो हमारे जो सब्सक्राइबर है दोस्तों, वे पूछे थे कि एमरी जो है ना, जैसे ये एमरी है दोस्तों, ये हमने जो है इसमें डब्बे में गाल रखी है, मैं दिखाता हूँ आपको खोल के। ये देखिए दोस्तों, ये जो एमरी है, एमरी देखिए किस हमारे जो सब्सक्राइबर है ना दोस्तों, वे हमसे पूछे थे कि ये जो एमरी है ना, ये कैसी होनी चाहिए। ये बिल्कुल जैसे उंगली पे लेंगे ना आप, ऐसे ऐसे बिल्कुल बारीक होनी चाहिए, महीन, बिल्कुल बारीक, इसमें कोई भी दाना ना हो, और अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। जितनी अच्छी क्वालिटी की होगी ना, हमारी जो एमरी है पुर्जे को उसी हिसाब से कटाई करेगी अच्छे से, क्योंकि अगर जो मोटी होगी ना, तो उसमें जैसे हम ग्रारी में लगाएंगे एमरी को, या फिर शटर में लगाएंगे, तो ग्रीन नहीं करने की, क्या करेगी, और ख़राब कर देगी, क्योंकि वहाँ पे निशान आ जाएंगे, जो इसके अंदर दाना होता है ना उसमें निशान आना देगा। और जो बिल्कुल बारीक होगी ना, बिल्कुल जैसे पाउडर होता है, बिल्कुल मक्खन सा, ये क्या करेगा, ये पुर्जे को जो है ना हमारे ग्रीन करेगा, अच्छे से कटाई करेगा, और पुर्जा ख़राब भी नहीं होने का। ये और ये ब्रासो है, ये ब्रासो के बारे में मैंने आपको बता रखा है, अगर आपको वैसे बारीक कोई चीज़ ग्रीन करनी है, पॉलिश देनी है, तो ब्रासो यूज करें। जैसे ग्रारी या नीचे का शटल होता है छोटी सिलाई मशीन का, उसे हल्का करना है, तो ये एमरी यूज करें आप। ये जो एमरी है, ये देखिए ये पन्नी है हमारे पास, काफ़ी है एमरी, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ ऐसे। ये देखिए ये जो एमरी है ना दोस्तों, ऐसी होती है बिल्कुल काली, और ये बिल्कुल बारीक होती है ऐसे। इस एमरी को जो है आप अपनी सिलाई मशीन में यूज कर सकते हैं दोस्तों, अगर ये एमरी आपको। दोस्तों जो हमारे सब्सक्राइबर है ना, काफी टाइम से हमसे वीडियो मांग रहे थे कि जो एमरी होती है वो किस तरह की होती है और कैसे इसकी पहचान करें, तो मैंने आपको जो बताया ना दोस्तों, एमरी जो है ना बिल्कुल बारीक होनी चाहिए, और इससे जो है ना आप अपने सिलाई मशीन का शटल, कुंडी, लिंक वगैरह A to Z सब कुछ इससे हल्का कर सकते हो, यानी कि पॉलिश दे सकते हो, ग्रीन कर सकते हो, और अगर इसकी नई जरूरत है तो फिर आप जो है ब्रासो यूज कर सकते हो। दोस्तों ऐसा होता है ना, जैसे कोई हल्की चीज है, जैसे लिंक हुआ, कुंडी हुई या चिमटा संतरी वगैरह हुई, उसमें जो है आप ब्रासो का यूज कर सकते हैं, और जैसे कि कोई ज्यादा टाइट है, जैसे आर्म साफ्ट हुई, शटल जैसे नाल में घुमाते हैं ज्यादा टाइट है, तो उसमें आप जो है एमरी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एमरी के बारे में मैंने आपको बताया था कि कैसी होनी चाहिए। दोस्तों अगर आपके वहां एमरी मिलती है तो आप ले सकते हैं, अगर नहीं मिलती है तो मेरे नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप मुझे बता देना, मैं आपके पास ये एमरी पहुंचा दूंगा कुरियर की मदद से, ठीक है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा ले, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और शेयर तो ज्यादा से ज्यादा करना दोस्तों।